अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ बहुत क्यूट क्यूट से एक माँ है और उनका बेटा है। और मैं आपको पहले ये बता दूँ, हंसी मुझे इस बात की इसलिए आ रही है कि हमारे प्रोड्यूसर ने ना गलती से इनको ये कह दिया कि आप दोनों मियाँ बीवी है, और शी वॉज लाइक कि नहीं, मेरा बेटा है और इससे एक और बड़ा बेटा जो घर पे है 21 साल का। मतलब अनबिलीवेबल, इतनी जवान और हसीन औरत हमारे साथ मौजूद है। लेकिन खैर, ये फ़न था, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या नाम है? समरीन। समरीन, और आपका क्या नाम है? कबीर। समरीन एंड कबीर, तो ये माँ बेटा है, ये आपने कोई गलती समझना कि मियाँ बीवी है, ठीक है, क्योंकि हमने गलत समझा तो हम चाहते कोई और ना समझे। मुझे बताए, इतनी यंग कैसे हैं आप? वो छोटी एज में शादी हो गई थी ना, इसलिए। कितने साल की थी जब शादी? 14 साल की। हाय अल्लाह, 14 साल की थी आप? मतलब क्या ऐसी ऊटपटांग हरकतें थी आपकी कि घर वालों को जल्दी शादी करना पड़ गया? कुछ भी नहीं था, पापा ने शादी कर दी। देखिए, हमारे इंटरव्यू में मोबाइल यूज़ करना मना है। मैं खुद भी नहीं करती, नहीं करती ना, कभी कभी करती हूँ। हाय अल्लाह, इतनी स्वीट, उन्होंने फ़ोन पकड़ा फ़ोन पकड़ा दिए। सो सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा समरीन, मुझे बताएं क्या करती हैं आप? हाउस वर्कर, घर में। हाउस वर्कर हैं ये? घर में खाना बनाना, काम घर के काम। का हाउस वाइफ नहीं, हाउस वर्कर हूँ, घर के काम करती हूँ। भाई, कितनी तनख्वाह लेती हैं घर में काम करने का अपने मियाँ से? रोटी कपड़ा, बस। रोटी कपड़ा मकान, ये नारा चला था। और बिजली का बिल, वो हमें टेंशन होती है। कितना बिल आया है? कितना आया? 12,500। किसने पे? अम्मा को नहीं पता, बाबा को पता है। अम्मा को नहीं पता बिल कितना आया है। यार, ये कैसी बंदी है? जाना बाहर जाए, चले। बिल की टेंशन किसको होती है घर में? बिल की टेंशन बाबा को होती है, और किसी को नहीं है। कितना कमा लेते हैं वो? बस हो जाता है गुजारा 70-80 हज़ार में, अपना बिजनेस है। अभी मैं अफसोस करने लगी थी कि 12,000 बिल आ गया है इनके, तो 70-80 हज़ार में कहाँ गुजारा होता है। देखकर रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी किसी हाल में खुश नहीं, 70-80 हज़ार की सैलरी। अब भाई, सानू मार दो, इधर चढ़ के छलांग लगा दूं। आपकी कितनी है? मेरी सैलरी नहीं है, हम तो बस कमाता है, फ्रीलांस कमाता। क्या बात है, क्या बात है, अपना बिजनेस है। समरीन, इतनी खूबसूरत कैसे? अरे नहीं, कहाँ हूँ ना, गर्मी से। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बाबा के खर्चे से खूबसूरत है। बाबा के खर्चे से इनकी अम्मा जो है खूबसूरत है। कितना पैसा लगाती हैं आपकी अम्मा पार्लर में, सही सही बताना? 60% बाबा की सैलरी का। ओह माय गॉड, 60% ऑफ द सैलरी ये स्पेंड करती हैं पार्लर में। एमए तो नहीं ना आप खूबसूरत? नहीं नहीं, मैं तो वैसे जांगू, अल्लाह की देन। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 37। 37, मुझे बताएं आपके अंदर कोई हिडन? यार 37, सलमान खान से थोड़ी सी छोटी हैं आप। मेरे बेटे सलमान खान इनके फैन है। अच्छा, इधर है। एक दो सवाल और पूछने हैं ना। अच्छा, आपने कहा था ये बात नहीं मानती। जी, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, इज्जत ही नहीं करता, कहता आप छोटी छोटी लगती हैं, इसलिए मम्मा लगती का। आप यानी जब आप इसको फील आएगा कि आप मेरी मामा है, तभी आपकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जी। यार, क्यों आप ऐसा करते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये बूढ़ी हो जाए, लोग माने कि ये मेरी मम्मा है। तो आप, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आप कंफ्यूज हो गई थी, अच्छा मुझे बताएं, अगर आपकी जो बेगम होगी, अगर वो इतनी यंग ना लगी जितनी आपकी मामा है, तो व्हाट विल यू डू? बैड फील, बूढ़ा बना देंगे। कह के बूढ़ा बना देंगे मुझे। यार ये तो अच्छी बात नहीं है, देखो आपकी अम्मा को मतलब सब यंग यंग कह रहे हैं। अच्छी बात तो है, पर शर्मिंदगी भी होती है। हाय अल्लाह, चेक करो, और लगाएं, जोर से लगाएं, मैं भी लगा सकती हूँ, लगा सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। अच्छा, कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट है? मजाक कर रही हूँ, आपकी मम्मा ने क्या लगा सकती? हिडन टैलेंट? कोई गाना, कोई शायरी, कुछ भी ऐसा? शायरी, मैं नुसरत फतेह अली खान का फ़ैन हूँ। उनकी एक गज़ल में एक वो पोइट्री कहते हैं, रुख जुल्फ से हटा के बात करो, रात को दिन बना के बात करो, मैं कदे के चराग मदहम हैं, ज़रा आंखें उठा के बात करो, फूल कुछ चाहिए हुजूर हमें, ज़रा मुस्कुरा के बात करो, ये भी अंदाज़े गुफ्तगु है कोई, जब करो दिल दुखा के बात करो। ओह माय गॉड, लेकिन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप। थैंक यू सो मच।